आज हमारा विषय है कृषि एवं ग्रामीण भारत का संकट कारण और निदान, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे और तो मैं कुछ इस संबंध में एक कुछ अपनी बात पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। किसान किसान का आप पुराने जमाने में इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि आक्रमणकारी जो बादशाह होते थे वो भी जब देश पर आक्रमण करते थे तो सेना को आदेश होता था कि भाई किसान की जो फसल है खड़ी हुई उसको बर्बाद नहीं किया जाए, उसका नुकसान नहीं किया जाए, और इतना वो किसान को महत्व देते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये जो कृषि है इससे सब जीव पलते हैं। और फिर हमने देखा कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं कवि रविंद्र टैगोर हैं, उन्होंने यहाँ तक लिखा है कविता में अपने कि पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे, घर बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, आंखें खोल कर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है, जहां कठोर जमीन को नरम करके किसान खेती कर रहा है तेरा देवता वहां चला गया है। तो इस तरह से किसान को बहुत महत्व दिया गया। और उसके बाद में गांधी जी, हमने देखा सब जानते हैं पढ़ा है कि गांधी जी ने किसान और खेती के महत्व को समझा, उन्होंने वकील की पोशाक को उतार फेंका और सौराष्ट्र किसानों वाली पगड़ी पहनी, अंगरखा और धोती पहनी तथा किसान की लाठी लेकर देश जगाने चल पड़े। और जब दौरा किया उन्होंने पता लगा कि उनकी ये पोशाक अमीर किसानों की है, देश में बहुत गरीबी है किसानों में, तो उन्होंने एक लंगोटी नुमा धोती उन्होंने ग्रहण की और लाठी लेकर के देश में सबसे पहले बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ वो किसान चंपारण में किसानों का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। उसके बाद में गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है जहां 70% आबादी खेती पर निर्भर है, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा किसान समृद्ध नहीं होगा देश विकास नहीं कर सकता। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता से राजनेताओं को संदेश दिया था आजादी के दिन कि हमेशा याद रखिएगा आप लोगों को शासन की बागडोर इसलिए सौंपी गई है कि आप उस गरीब आदमी की सेवा करें जो देहात में बैठा है। लेकिन हमने देखा और महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाया। एक दौर ऐसा आया जब प्रधानमंत्री शास्त्री को देश से अपील करनी पड़ी कि वो सप्ताह में एक दिन उपवास रखें। हमें बहुत ही अपमानित शर्तों पर सड़ा गला अनाज सप्लाई किया जाता था, लेकिन बाद में सरकार के सहयोग से और हमारे किसानों की मेहनत से समय बदला और आज इस स्थिति में हम हैं कि न केवल हमारे इतनी बड़ी आबादी को किसान पेट भरने में सक्षम है बल्कि हम बाहर भी निर्यात करने की स्थिति में भी हैं। और स्वयं पंडित नेहरू ने 1964 में यह माना कि उन्होंने कृषि पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चौधरी चरण सिंह के योगदान को भुला नहीं सकते, जो आजादी के बाद एकमात्र ऐसे नेता हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। ये अलग बात है कि साहब को कामधान को भारतीय राजनीति के केंद्र में लाने में सफल हुए। नई वैश्विक नीति के बाद किसान को बुलाया जाने लगा। पिछले दिनों हमने देखा कि 13 महीने तक किसानों को अपनी मांगों के लिए दिल्ली के पास सड़कों पर 13 महीने तक गुजारना पड़ा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत ही
एक कलंक था एक तरह का। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि कोई सरकार है अपने किसानों को इस तरह मजबूर कर दे और उनके चारों ओर किलेबंदी करके उनको सड़क पर अपमानित करे, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए हुआ कि किसान दुखी है, उसकी जो स्थिति है उसमें सरकार को ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उन आजादी के दौर में हमारे बड़े शायर हुए अल्लामा इकबाल, उन्होंने लिखा है कि जिस खेत से देका को, देका का मतलब किसान, जिस खेत से देका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खो से गंदुम को जला दो। एक दूसरे कवि हैं अदम गोंड भी, उन्होंने लिखा है जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। अब हम डॉक्टर साहब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज ये हमें एक बार देखना चाहिए कि हमारा किसान की स्थिति क्या है। जो होना चाहिए था 75 साल में आजादी का फायदा क्या किसान को मिला, इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं सुनने वाले अपने मित्रों को सूचित कर दूं कि डॉक्टर हनुमान प्रसाद प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, और हमारे मैंने इनके काम को जो कृषि विकास केंद्र है अबूसर, उसको स्थापित करने में, उसको विकसित करने में मैंने देखा नजदीक से, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां। और इससे आगे मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करूं कि अपनी चर्चा शुरू हो, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा परिचय आप खुद दें, मेरा निवेदन है। सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि मैं एक कृषि वैज्ञानिक के पद पे मैंने काम कार्य किया, और विशेषकर मैं शुरुआत में 1977 में मैंने एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट शुगर केन में कोटा में 3 साल कार्य किया। उसके बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़ सेंट जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के मेन सेंटर गंगानगर है और सब सेंटर हनुमानगढ़ है, जहाँ पे दोनों ही सेंटर पे मैंने लगभग 15 साल तक रिसर्च में काम किया है। गंगानगर में एक कॉटन रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें एज ए कॉटन एग्रोनॉमिस्ट कार्य किया, और हनुमानगढ़ में मैंने क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च जो आजकल फार्मिंग सिस्टम रिसर्च में तब्दील किया है उस प्रोजेक्ट में मैंने कार्य किया। और बहुत ही अच्छा अनुसंधान मेरे कार्य के दौरान मुझे राज्य स्तर पे एक लॉन्ग रेंज इफेक्ट ऑफ कंटिन्यू क्रॉपिंग एंड मैन्योरिंग पे एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक ही जगह पे बाजरा वीट रोटेशन के ऊपर स्थापित किया था। उसके रिजल्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एग्रोनॉमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर उसको पब्लिश किया, जिसमें मुझे सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद में मैं कृषि विज्ञान के अंदर आबूसर के अंदर 1996 में मुझे पदस्थापित किया गया। उसके बाद लगातार मैंने करीब 13.5 वर्ष तक कृषि विज्ञान केंद्र में काम किया। इसी दौरान कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर को राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट केवी के अवार्ड के रूप में सन 2005-06 के अंदर सम्मानित किया गया इस कृषि विज्ञान केंद्र को। और इसके बाद भी मैंने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में 2 साल तक निदेशक प्रसार शिक्षा के पद पे कार्य किया। इसके उपरांत सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं 3 साल तक लगातार राजस्थान किसान आयोग का सदस्य भी रहा, और अब भी मैं किसानों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और खेती बाड़ी के जो भी हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। विशेष करके डालमिया सेवा संस्थान एक ऐसी संस्थान है राजस्थान के अंदर जो पानी पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं 15 साल से उनके साथ ही जुड़ा हुआ। ये मेरा छोटा ठीक है सा डॉक्टर साहब, परिचय।
क्या है, धन्यवाद डॉक्टर जैसा साहब। कि राजेंद्र जी ने बताया कि खेती। हाँ, हेलो। मैं अब आपका परिचय हो गया। हाँ जी, अब मैं डॉक्टर साहब आपसे ये, अब आप अपने मुद्दे पर आते हैं, आज के जो विषय पर है उसके ऊपर अपने बातचीत करेंगे। जी और जी जी आप बहुत जी ही निकट से अभी किसानों को गांव के संपर्क में हैं, आए दिन सेमिनार और गोष्ठियां जी होती जी रहती है, तो आप आज की स्थिति में गांव और किसान की क्या स्थिति है, इस बारे में आपका क्या सोच है? फिर पिछले 75 साल की हम बात करते हैं, आजादी से लेके अभी हमारे देश के अंदर आजादी का अमृत समय आ गया अगस्त के में लास्ट। और खेती बाड़ी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बदलाव इन द सेंस कि जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारे देश का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 5 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास था, लेकिन अब जो प्रोडक्शन है वो करीब 31 करोड़ मेट्रिक टन को पार कर चुका है। प्रोडक्शन में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन अगर पिछले 10-20 साल के अगर आप आंकड़ों पे हम दृष्टिपात करते हैं तो अब हमारी खेती के उत्पादन में एक तरह का ठहराव सा आ गया है। ठहराव इन द सेंस कि जी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर, कोटा जैसे एरिया जहाँ हाईली इंटेंसिव कल्टीवेटेड एरियाज जिनकी वजह से हमारे अन्न उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब जहाँ पे ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, बल्कि प्रोडक्शन के अंदर एक तरह का ठहराव सा आ गया है। और उसकी गुणवत्ता है, अनाज की गुणवत्ता है, उसमें भी काफी दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं। इस सारी समस्याओं को देखते हुए हमने अनाज को उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बार बहुत अंधाधुंध तरीके से रसायनों का प्रयोग किया, जिस वजह से हमारा जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसमें बहुत जबरदस्त ह्रास हुआ है। पानी की भी कमी आ गई, पानी का भी हमने आवश्यकता से अधिक दोहन किया बहुत सारे एरियाज के अंदर। आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है पानी की है। अगर हम आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो 1983 के अंदर खेती के अलावा जो पानी प्रयोग में लिया जा रहा था, खेती के अलावा जो पानी प्रयोग में लिया जा रहा था वो मात्र 13% था, और अब उसकी मात्रा बढ़ के करीब 30% से भी ज्यादा हो गई है। तो खेती वाला पानी है वो धीरे धीरे कट रहा है और वो इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक यूज में जा रहा है। जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी 1.6 के आसपास है। आजादी के समय हमारी जनसंख्या करीब 35-36 करोड़ थी, आज 1 अरब और 35 करोड़ को हम पार कर चुके। पानी घट रहा है, जमीन भी घट रही है, जमीन की उर्वरता भी घट रही है, और पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सामने। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से पिछली बार हमारे देश के विशेष करके गेहूं के उत्पादन में काफी गिरावट आई है। आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि करीब करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास हमारा गेहूं कम पैदावार, जो गर्मी अप्रैल में पड़नी चाहिए और गर्मी पिछली बार फरवरी में आ गई थी मौसम के बदलाव की वजह से। तो खेती बाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आ रही है वो आ रही है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्माहट। जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो 100 साल में टेम्परेचर नहीं बढ़ा वो पिछले 20 साल में बढ़ गया है। तो गर्मी की वजह से भी हमारी खेती के ऊपर दुष्प्रभाव नजर आ रही है, खेती की जो कास्ट है वो भी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। आप अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो काश्त की अच्छी जमीनें हैं वो खेती से छीन के इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा संदेश सामने आ रहा है। जो भी इस तरह की जो इंडस्ट्री वगैरह है और जो जो उद्योग धंधे लग रहे हैं वो या तो नकारा जमीनी हो, जो बेकार जमीनी हो, लवणीय हो, क्षारीय है, अम्लीय जमीने हैं, जो पथरीली जमीने हैं, ऐसी जमीनों पे हमें उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। जमीन धीरे धीरे घट रही है प्रति इकाई क्षेत्र। जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारी जमीन एक आदमी के हिस्से में करीब 0.3 हेक्टर के आसपास थी, आज वो घट के 0.1 के आसपास आ गई है। जमीन भी घट रही है, पानी भी घट रहा है, प्रोडक्शन भी
बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, और जो हमारी कोई है उत्पाद की, चाहे वो अनाज है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे तेल है, चाहे दूध है, जो भी जमीन में जो पैदा होता है, वो सारा का सारा उत्पाद भी, उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट महसूस की जा रही है। सबसे बड़ी कमजोरी जो महसूस की जा रही है पानी के साथ साथ, हमारी जो जमीन है, हमारी धरती माता है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। मैं ये भी थोड़ा ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, किसान किसान जो मेहनत कर रहा है उसको वो आए दिन उसके असंतोष लगता है, अपने बुवाई के समय भी उसको खाद और बीज नहीं मिलती, और कई बार देखते हम लाइन लंबी लगी रहती है, और फिर वो बेचारे शाम तक कह देते हैं खत्म हो गई, और इसी तरह अपनी फसल को बेचने के समय MSP रेट पर जो कुछ फसल है उनको बताया गया है वो भी खरीदी नहीं जाती, और उसके लिए भी आप आजकल भी आंदोलन चल रहे हैं कि भाई ये जमीन बाजरा है ये वो है खरीदा नहीं जा रहा MSP पर, तो ये क्या मामला है? किसान बुआई के समय भी परेशान होता है, उसको बीज और उस टाइम जो परेशानी होती है उसमें उसको कई बार कालाबाजारी का भी शिकार होना पड़ता है, नकली बीज भी मिल जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इतने वर्षों के बाद में भी किसान को समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता है, वो बहुत ही अपमानित तरीके से लाइन में लगा करके शाम तक यूं ही निकाल देते हैं, और इसी तरह बेचने के टाइम भी उसका सही ढंग से वो नहीं हो पाता खरीद, तो इस बारे में आपका क्या सोच है? राजस्थान प्रदेश है, कई फसलों में हम लीड कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा। विशेष करके बाजरा हम 40% पैदा कर रहे हैं, सरसों 51% पैदा कर रहे हैं, ग्वार और मोठ है वो करीब 80% के आसपास पैदा कर रहे हैं, और मसाले जो जीरा किसान को बुआई के समय भी और बेचान के समय अपनी फसल का उत्पादन बेचने के समय भी उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, और कौन से विभाग है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये क्यों नहीं हो पाता, इसके इसके ऊपर आप थोड़ा बताएं। देखो वैसे तो सभी इसके सारे विभाग कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे जितने भी सप्लाई एजेंसी हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती हैं, आपका इफको है, क्रिप्को है, चंबल है, और दूसरी कंपनियां खाद बनाती हैं। विशेष करके आपने देखा होगा पिछली साल आपने दिसंबर में नवंबर के अंदर बहुत जबरदस्त मारामारी रही DAP की और बीज के लिए, सरसों की पर्टिकुलर एक वैरायटी है पाइनियर की, जिसके लिए किसान भागता रहा इधर से उधर, न उसको DAP मिला न उसको पाइनियर का सरसों मिला। उसके बाद में जनवरी और फरवरी में जब गेहूं में पहले पानी पे यूरिया की जब जरूरत पड़ती है, उस समय यूरिया के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत आई, किसानों को मिलता भी नहीं, बड़ी जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। उसके लिए सरकार को अपना एक प्लान बनाना चाहिए कि जिले वाइज और ब्लॉक वाइज कितने बीज की आवश्यकता है और कितने खाद की, कौन कौन सी DAP सिंगल सुपरफेट या यूरिया, कौन से महीने में ज्यादा खपत हो रही है, उसका एक चार्ट तैयार होना चाहिए इनके पास में, और उसी के अनुरूप जो भी एजेंसीज हैं, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी है चाहे वो प्राइवेट एजेंसी है, इसका मॉनिटरिंग कलेक्ट करे टाइम टू टाइम, और वो पता करे डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है चाहे कृषि विभाग है चाहे मार्केटिंग है, उसके साथ में बैठ करके जो हमारे आदान है खेती बाड़ी के, विशेष करके खाद और बीज, उनको सुनिश्चित करे कि समय रहते किसान के पास में, जो आपकी सहकारी समितियां हैं गांव स्तर पे या जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, उनके अंदर GSS वगैरह पे सुनिश्चित होना चाहिए। अगर किसान को खेत के ऊपर सही समय पे आदान मिल जाएगा, खेती बाड़ी के अंदर जो सबसे जो कम पैसे वाली जो इनपुट है, कम पैसे वाला जो आदान है वो है समय। कोई भी काम है समय पे खेती पे होएगा तो उसका बिना पैसे ही उसका प्रोडक्शन 10% 15% 20% मिलेगा। बुआई के समय उसको बीज नहीं मिलेगा, बुआई के समय उसको DAP नहीं मिलेगा, बुआई के समय उसको यूरिया नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा? और फिर राजस्थान की तो करीब करीब जो खेती है वो बरसात आधारित है, आज भी
65-70% है, अगर इंद्रदेव की मेहरबानी होगी तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर मार्केट में लेके जाती है तो उसका जो भाव है वो नहीं मिलता, भाव किसान के हाथ नहीं है। पूरे मतलब कहूंगा कि धरती पे एक ही ये एक है जिसका उत्पाद का भाव सामने वाला तय करा। कहने के लिए तो गवर्नमेंट ने MSP कर रखी है बहुत सारी फसलों की, लेकिन उन MSP के ऊपर किसान का जो उत्पाद है, अभी जैसे बाजरे का समय निकल गया, बाजरा निकल भी गया, लेकिन मंडी में एक भी किसान का एक दाना भी नहीं तुला है, न मूंग तुला है। सुनने में रोजाना अखबार में पढ़ने में आ रहा है कि बारदाने की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, ये प्रशासन को वेल इन एडवांस, मतलब जो ही आपको पता चल जाए कि इतने एरिया में बाजरे की बुआई हुई है, इतने एरिया में मूंग की बुआई हुई है, इतने एरिया में आपकी दूसरी फसल की बुआई है, उसके एरिया के हिसाब से और पिछले 10 साल के आंकड़ों के हिसाब से जिले का या ब्लॉक पूरे प्रदेश का कितना उत्पादन होने वाला है लगभग मोटा मोटा, उसके अनुरूप ही अपने को बारदाने की व्यवस्था वेल इन एडवांस पे करनी चाहिए। समय पे अगर व्यवस्था हो जाएगी तो पैसा अच्छा मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन पिछले 3 साल देखना आ रहा है राजस्थान के अंदर कि बाजरी MSP पे कोई खरीद नहीं हो रही है। हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा के अंदर खरीदा जा रहा है और राजस्थान में बाजरे की MSP पे कोई खरीद नहीं हो रही है। तो ये सरकार को कुछ चुनिंदे फसलें हैं, मैं ये कहना चाहूंगा जैसे 26 फसलों के ऊपर ही MSP है, क्यों नहीं हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है कि जो उपयोग और उपभोग कर रहे हैं, विशेष करके आलू है, प्याज है, लहसुन है, दूध है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं, उनका भी MSP डिसाइड होना चाहिए। जब तक किसान के उत्पाद का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो किसान की खेती बिल्कुल घाटे का सौदा होती जा रही है, खेती से विमुख हो जा रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर खर्चा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आज से 50-60 साल पहले किसान बाहर से कुछ भी नहीं खरीदता था, खुद का होता था, खुद का उसके पास में बैल ऊंट होता था जिससे बुआई करता था, खुद मेहनत करता था, गोबर की खाद होती थी और अच्छा प्रोडक्शन लेता था। लेकिन आज किसान सब कुछ बाजार से खरीद के लेके आता है जो उसकी मनमर्जी के हिसाब से उसको उपलब्ध भी नहीं होता। तो सरकार को ये करना चाहिए, कुछ जगह पे कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय है, चाहे वो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे हमारे पूरे देश के विश्वविद्यालय है, उन्होंने एक ऐसा एकल खिड़की प्रबंध प्रणाली डेवलप की है जहाँ एक ही जगह पे किसान को बीज भी मिलेगा, खाद भी मिलेगी, दवाई भी मिलेगी और सलाह भी मिलेगी। सिंगल विंडो सिस्टम हमें कम से कम मिनिमम जिला लेवल पे किसान के लिए मुहैया करवानी चाहिए, जहाँ पे उसको पूरी जानकारी मिले, बीज भी समय के अनुसार के और उनकी मात्रा और रुचि के हिसाब से अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, समय पे उसको खाद मिले, समय पे उसको दवाई मिले और समय पे सलाह मिलेगी, तो निश्चित रूप से अभी भी राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत जबरदस्त गुंजाइश है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं वैज्ञानिकों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो अनुसंधान के मैं डॉक्टर साहब आप ये बीज का बीज आप बीज की चर्चा चली है बीज की चर्चा चली है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाजरा है, मूंग है, खरीफ की फसल में बाजरा है, मूंग है और ग्वार भी है और इस फसल में गेहूं और सरसों है, तो ये हमारे प्रांत में कोई बीज हम पैदा कर रहे हैं क्या? जो क्योंकि हम सबसे ज्यादा बाजरा तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सरसों और बाजरा तो हम पैदा कर रहे हैं, तो इसके बीज भी हमारे यहाँ हो रहे हैं क्या तैयार? कुछ कुछ फसलों का तो बहुत लेकिन मैं विशेष करके बाजरे की बात करना चाहूंगा क्योंकि बाजरा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पैदा होता है। करीब 50 लाख हेक्टेयर में हर साल बाजरे की बुआई की जाती है और करीब 40% बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। लेकिन बाजरे की जो बीज की व्यवस्था है वो जितने भी संकर बीज बनते हैं वो हमारे प्रदेश में मुश्किल से उसका 5% भी नहीं बनता है। सारा का सारा बीज है वो बाहर के जो प्रदेश है, चाहे वो आपका गुजरात है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे कर्नाटका है, चाहे महाराष्ट्र है, सारा का सारा बाजरे का बीज है वो दूसरे रुपये में तैयार होता है।
और जबकि पैदावार हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि बाजरे का जो बीज है वो राजस्थान की जलवायु मिट्टी आब हवा के हिसाब से यहीं पे तैयार होना चाहिए, उससे दोहरा फायदा मिलेगा हमें। एक तो किसान को आमदनी ज्यादा होगी, वहां पे बीज बनेगा, दूसरा हमारे जो वैज्ञानिक है उनको फील कि हमारी जलवायु हमारी मिट्टी आब हवा के हिसाब से कौन सी वेराइटी ज्यादा पैदा देने वाली है, उससे हमें फायदा होगा। किसान वैज्ञानिक उसको और नई नई उसके अंदर इजाफा करके प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आज राजस्थान औसत का वो 5 क्विंटल के आसपास है, लेकिन बाजरे के ऐसे हाइब्रिड भी हैं हमारे, और ऐसे किसान भी हैं हमारे प्रदेश के अंदर जो बाजरे का प्रोडक्शन ले रहे हैं 40 क्विंटल पर हेक्टर तक भी। तो एवरेज पैदावार और पोटेंशियल यील्ड में बहुत बड़ा गैप है। गैप इन द सेंस कि 5 क्विंटल और 40 नहीं 30 क्विंटल भी है तो भी 4-5 गुना अगर हमारा प्रोडक्शन डबल भी हो जाए बाजरे का, किसानों को बहुत जबरदस्त फायदा होता है। 5 क्विंटल की तो एवरेज पैदावार राजस्थान की अगर 10 क्विंटल हो जाती है पूरे प्रदेश की तो बहुत बड़ा फायदे की बात है। तो हमें अब ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि राजस्थान में जो बीज काम में लिया जा रहा है, जो हाइब्रिड काम में लिए जा रहे हैं, वो राजस्थान के अंदर ही उसको तैयार करने का प्रयास करना चाहिए वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों और जो हमारे सरकार का जो तंत्र है कृषि विभाग और जो प्राइवेट कंपनीज मिलके, जो प्राइवेट कंपनी आंध्रा में गुजरात बीज तैयार कर सकती है वो आके राजस्थान में भी बना सकती है, और एक बार बना भी है। जालौर के एरिया के अंदर कई बार हाइब्रिड तो तैयार किए हैं, बड़े कारगर और बड़े सफल हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है डॉक्टर हमारे साहब, सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से बाजरे का 80% बाजरे का बीज बाहर से खरीदा जाता है। आप किसान आयोग में रहे हैं, बाजरे के राजस्थान अलावा किसान आयोग के मेंबर आप रहे हैं किसान आयोग के। तो ये जो बीज हमारे यहाँ स्टेट में बीज उत्पादन करने के लिए, या इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई क्या कभी कि यहाँ क्यों नहीं बीज पैदा होता हमारी जलवायु के आब हवा के मिट्टी चर्चा के भी पानी हुई के और हिसाब पूछा से? भी है, हमने मेंशन किया है। जी, दो रिपोर्ट हमने सबमिट किए हैं, जब मैं भी इसका सदस्य था, हमारे माननीय श्री नारायण सिंह जी चौधरी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत रुचि ली और हर संभाग हर जिले में मीटिंग भी की, पूरे सरकारी जो अमला है चाहे वो कॉपरेटिव है चाहे मार्केटिंग है चाहे एग्रीकल्चर है चाहे एनिमल हस्बेंड्री है चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके उन्होंने कई दो एक अच्छी बहुत बढ़िया रिपोर्ट में दो पार्ट में दो रिपोर्ट सबमिट किए, उसमें सारे के सारे बिंदु समाहित है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बाजरे का बीज है या सरसों का बीज है ज्यादातर बाहर से खरीदा जाता है, तो क्यों नहीं उस बीज को अपने राजस्थान प्रदेश के अंदर तैयार किया जाए ताकि किसानों को भी फायदा होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो बीज का जो हमारा सिस्टम है किसी भी फसल वो ज्यादा से लेकिन ज्यादा किसानों के खेत पे ही तैयार किया जाना चाहिए, उससे हमें दोहरा लाभ होगा, किसान की पैदावार बढ़ेगी और दूसरा हमारे वैज्ञानिकों को फीडबैक भी मिलेगी। इस संबंध में मुझे लगता है कि अभी तक कोई प्रयास हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। एक हमारे सामने नहीं पर बड़ा स्लो प्रयास करते रहे, लेकिन जिस जिस मतलब स्पीड से होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, वो लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। जब तक लोगों को, आम आदमी को जो दूर दराज में किसान बैठा उसको फायदा नहीं मिलेगा, जब तक बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये सरकारी व्यवस्था को तो हम देख ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारा किसान है और सब वर्ग के कर्मचारी हैं या उद्योगपति हैं, वो उनका संगठन मजबूत होता है तो वो अपनी मांग मनवा लेते हैं, और किसान है ये बहुत बिखरा हुआ है, और इसका जो तो जनप्रतिनिधि है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये उसका एक दुर्भाग्य है। जब तक किसान संगठित नहीं होगा अपने हित में, चाहे वो जात पात छोड़ करके धर्म को छोड़ के सिर्फ किसान अपने हित में एक नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि सरकारें, वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, वो सुस्त रहती हैं। तो यहाँ मेरा ये है सवाल है कि कुछ बातें किसान
बिना सरकार के अपना एक सोच बदले कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले और साइड में अन्न उत्पादन के अलावा अतिरिक्त वो आय उससे मिल सके, जैसे पशु है, दुग्ध उत्पादन है, मछली है, मुर्गा पालन है, बकरी पालन है, इस तरह की योजना अगर किसान साथ में रखे तो उसको शायद बेहतर कुछ मिले। बिल्कुल, ये कटु सत्य है। आपका जो सुझाव है बिल्कुल सही है। जब तक हम अकेली खेती के ऊपर ही निर्भर रह गया किसान, फसल के ऊपर, किसान को अब समन्वित कृषि प्रणाली का जो आधार है, जो सिद्धांत है, उसको अपनाना पड़ेगा। खेती के साथ में पशुधन को मजबूत करना पड़ेगा। खेती और पशुधन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, सहायक है, और खेती उसी किसान की बढ़िया होगी जिसके पास में अच्छा पशुधन है, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ है, चाहे बकरी है, चाहे मुर्गी पालन है। समन्वित कृषि प्रणाली से खेती के साथ में आपका जो सब्जी है, फल है, दूध है, और उसका प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, किसान की आमदनी तभी बढ़ेगी जब उसके अपने उत्पाद का वो मूल्य संवर्धन करके, साफ करके, ग्रेडिंग करके और आगे वाली प्रणाली को अपना के अगर मार्केट में जाएगा तो उसकी आमदनी दुगनी नहीं, 3 गुनी, 4 गुना, 5 गुना तक भी बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि उसको समझना पड़ेगा। खेती बाड़ी के अंदर जो सरकार की जो इमदाद दी जा रही है वो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जब तक वो बरपुराव नहीं उठाएगा, उसका फायदा नहीं उठाएगा, जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। हो सकता है वो प्रोडक्शन तो बढ़ा लेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। आमदनी तभी बढ़ेगी जब उसका मूल्य संवर्धन करके मार्केट में लेके जाएगा। तो खेती के साथ साथ में अगर वो आप अच्छी नस्ल की 4 गाय भी रखता है और अगर रोजाना वो 50 लीटर दूध भी बेचता है तो उसकी जेब के अंदर रोजाना पैसा आएगा। खेती के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन पशुधन के अंदर रिस्क कम है। मिनिमम रिस्क फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री में है, पशुपालन के अंदर है, और रोजाना आमदनी देता है। फसल की आमदनी में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने पड़ेगा, लेकिन अच्छी नस्ल का अगर उसने 4 गाय बांध ली रोज, 50 लीटर, 60 लीटर या 100 लीटर दूध देती है, 20 लीटर घर में रख लिया, 80 लीटर भी बेच दिया, तो रोजाना उसको हजारों रुपए में आमदनी होगी। अगर 1,000 रुपए की आमदनी डेली होगी तो उसका लिए डीजल भी आ जाएगा, यूरिया भी आ जाएगी, डीएपी भी आ जाएगा, बच्चों की फीस भी जमा होगी और भी रोजमर्रा की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाएगी। तो किसान आज जो खेती में जो कमजोरी आ रही है वो पैसे के अभाव में आ रहा है, किसान की जेब में पैसा ही नहीं है, और वो पैसा जब आएगा, जब तक वो समन्वित कृषि प्रणाली, कभी भेड़ बेच ली, कभी बकरी बेच ली, कभी ऊंट बेच लिया, कभी गाय बेच ली, कभी दूध लिया, कभी चारा बेच लिया, कभी सब्जी बेच लिया, उसका मतलब रोज उसकी आमदनी होती रहेगी तो खेती भी उसकी अपने आप सुधर जाएगी। आज जो खेती बाड़ी के अंदर जो प्रोडक्शन और कमजोरी आई है वो सबसे बड़ी ज्ञान की कमी तो है ही है, उसके साथ में उसकी व्यवस्था भी कमजोर है, मैनेजमेंट उसका है ही नहीं किसान का। किसान जब तक अपनी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं करेगा, वेल इन एडवांस नहीं करेगा, पहले से अपना पूरा एक फसल चक्र तैयार करे कि मेरे को इस इतने एरिया में दाल वाली फसल बोनी है, इतने में तेल वाली, इतने में धान वाली, इतने में सब्जी लगानी है, इतने एरिया में मेरे को फल लगाना है, और सारी चीजों को व्यवस्थित करके चलेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और उसका रिस्क भी है वो भी कम होगा। खेती में रिस्क बहुत है, जिसको मिनिमाइज करें, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली को हमें खेती बाड़ी के अंदर समावेश करना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब, ये अपने खा मैंने थोड़ा जो देखा है कि किसान है, एक पानी का दोहन तो हो रहा है, लेकिन जो वर्षा का पानी है उसका वो जमीन में जाना चाहिए, इस साइड में, इस तरफ उसका ध्यान कम है। और दूसरा, एक किसान पहले हर किसान के पास ऊंट या बैल हुआ करता था, आज वो सब ट्रैक्टर पर निर्भर हो गए, जो बुआई के समय बहुत जल्दबाजी में बुआई करता है, रेक के पास नहीं है ट्रैक्टर, तो इस साइड में वो उनको ये सोचना चाहिए, जो कम से कम आज कुएं वगैरह है गाँव में,
एक पशु वो ऊंट बैल ये रख सकता है कि उसकी उसके चारे की तो कमी है नहीं, वो उससे कम से कम अपने खेत की बुआई ढंग से कर सके। और दूसरा पानी है वो जमीन में जाए, क्योंकि वो दोहन कर रहा तो एक पॉइंट पर पानी इकट्ठा होगा तो वो जमीन में जाएगा नीचे, नहीं नहीं जाएगा। दूसरा क्या इस तरह के छोटे ट्रैक्टर भी हैं क्या, जो एक बिल्कुल किसान सस्ते में खरीद सके या सरकारी अनुदान मिले है, ताकि वो अपनी खेती कम से कम अच्छा ढंग से कर सके सही तरीके से, इस तरह की कोई है क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि खेती बाड़ी के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नहरों में भी कम होता जा रहा है, कुओं का पानी भी नीचे जाता जा रहा है, जितना गहरा होता जा रहा है उतना महंगा भी होता जा रहा है और उतना ही दुष्प्रभाव भी होता जा रहा है, खराब होती जा रही है। तो जो बरसात का पानी बरसता है हर साल, उसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं है, वो अमृत के समान है। और जो बरसात का जितना पानी बरसता है हमारे देश में, उसका 1/3 पानी है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में जाके खारा हो जाए। तो जो बरसात का पानी है उस बरसात के पानी को हम 1/4 पानी को ही बचा पाए, तो जितना भी बरसात का पानी बरसता है उसको हम नदियों के माध्यम से जोड़ के ऐसी जगह पे पहुंचाएं जहां पानी की कमी है। एक तरफ पानी की बहुतायत अधिकता और दूसरी तरफ पानी की कमी, यानी कि एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल। हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो विचार दिया था हमें कि नदियों को जोड़ दिया जाए तो हमारे देश में पानी की जो समस्या है उसका स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा, बिल्कुल कटु सत्य है। जो बरसात का पानी बरसता है उस बरसात के पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसी जगह पे उसको रोका जाए, ताकि उस पानी का रिसाइकल करके हम उद्योग में भी काम में लें, घरेलू काम में भी लें और खेती बाड़ी के काम में भी लें। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का एक मुख्य सिद्धांत है कि आकाश का पानी पाताल में, छत का पानी कुंड में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, खुड़ का पानी खुड़ में, बहते हुए पानी को चलना सिखाना है, चलते हुए पानी को रेंगना और रोकना सिखाना है, बहने से रोके पानी को। जमीन में जाएगा पानी तो नीचे वाला पानी है वो भी ऊपर आ जाएगा, जो खारा पानी है वो भी मीठा हो जाएगा। तो बरसात का जो पानी बरसता है उस पर कोई खर्चा नहीं आता, कोई बिजली का बिल नहीं आता है। उस पानी एक बूंद को कैसे कंजर्व किया जाए, कलेक्ट किया जाए, इसके ऊपर हम सरकार और समाज है उसको मिलकर योजनाबद्ध तरीके से, और एक टाइम बाउंड योजनाबद्ध नहीं समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से इसके ऊपर न केवल कार्य करने की आवश्यकता है, बल्कि इसको एक स्थायी समाधान के लिए हमें सब लोगों को इसकी आगे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। अकेले सरकार पे हम नहीं टिके, समाज को भी पानी के लिए काम करने की आवश्यकता है। सरकार और समाज दोनों मिलकर निश्चित रूप से काम करेंगे तो पानी की जो जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है आगे आने वाले भविष्य में, उसका स्थायी समाधान के लिए नदियों को जोड़ा जाए, और जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे सूखा है, ऐसे एरियो में उस पानी का पहुंचाने के हमें प्रयास करना चाहिए। एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल, जब बरसात के दिनों में बरसात होती है तो एक नाले गगर फ्लड का नाम सुना होगा, जो हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बीच में से होता हुआ सूरतगढ़ को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता है पानी, और पाकिस्तान को बहुत सारा मुआवजा देना पड़ता है उस पानी के बदले में। उस नाले को ऐसा रूप दिया जाए बजाय पाकिस्तान, उसको इधर मोड़ दिया जाए, सिखावट सीकर झुंझुनू नागौर और चूरू, नरेगा में इतना पैसा है, व्यवस्था को व्यवस्थित करके उस पैसे को एक नाले का रूप देके उस पानी को अगर इधर मोड़ दिया जाए तो ये एरिया बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, किसान भी जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन पानी के बचाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में हो रहा है, धरातल पे कोई काम नजर नहीं आ रहा। तो ये बरसात खाद के के पानी बारे को में इकट्ठा डॉक्टर करना साहब, चाहिए, जितने भी हमारे पुराने रिजर्वर है, जोड़ है, बावड़िया है, उनको भी रिनोवेट करना चाहिए अपने। ये किसान जो खाद है ये सिर्फ
बाजार के खाद पर निर्भर हो गया। केंचुआ जैविक खाद उत्पादन करना और वो तो गड्ढे में खाद डालना और इस तरह के प्रयास वो बहुत कम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो खाद है वो फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, जिसकी ओर किसान का ध्यान कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र जी। अब क्या है कि किसान थोड़ा थोड़ा डेविएट होने लगा है। पिछले पिछले 4-5-10 साल से जब हमारी जो उत्पादकता कम होने लगी है और तरह तरह की बीमारियां आने लगी हैं, चाहे वो बीमारियां मनुष्यों की बात करें, जानवरों की, अभी लंपी बीमारी आई है जानवरों के विशेष करके, तो इसके लिए हमें वापिस हमारे उसी के अंदर धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे वापिस हमें जैविक खेती के ऊपर आना पड़ेगा। उसको उस स्टेप आए जैविक, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो राजस्थान की जमीनें हैं वो जमीनें भूखी भी हैं और प्यासी भी है। भूखी इन द सेंस कि हर 2-3 साल में अकाल पड़ता है, जमीन में उगता ही नहीं है, तो उसके अंदर जीवांश की मात्रा कहाँ से आएगी? जीवांश की ज्यादा मात्रा होगी तो ज्यादा लंबे समय तक उसके अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, मिट्टी कटेगी भी नहीं, सहेगी भी नहीं। आंधी चलती है तो उड़ के चली जाती है, बरसात तेज होती है कट के चली जाती है जो उपजाऊ मिट्टी है। तो इसके लिए हमें वापिस जो जैविक खेती है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें गोबर वाला खाद है, गोबर वाला खाद तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा हम पशु रखेंगे। उसके बाद आप नेडेप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, हरी खाद तैयार कर सकते हो, बहुत सारी विधियां आजकल। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने, हमारी जो सरसों की जो तूड़ी थी उसको हरा सड़ा के खेत में प्रयोग करते थे, खेत में बिखेर देते थे। आजकल सरसों की और जो ग्वार का जो गुणा है वो सारा का सारा भट्ठों में जाने लग गया। भट्ठों में जाने की वजह से जमीन के अंदर जो जीवांश मिलना चाहिए वो जीवांश भी मिल नहीं रहा, और उसकी वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को बड़ा ठोस कदम लेना चाहिए। जैसे पंजाब हरियाणा के ऊपर पराली के ऊपर बैन लगाया है, इस तरह से राजस्थान के अंदर भी विशेष करके जो हमारी सरसों है और जो इसका गुणा है अपने ग्वार वगैरह का कचरा है, इसको भट्ठों में जाने से रोके और किसानों को कुछ इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसा दिया जाए या उनको प्रेरित किया जाए, ताकि जो भी फसलों के अवशेष है वो सारे के सारे जमीन के अंदर ही समाहित होने चाहिए, ताकि जमीन की जो ताकत है, जमीन के अंदर उर्वरता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जो तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो बीमारियां आ रही है, जो नुकसान हो रहा है, तो उसका भी हमें स्थायी निराकरण मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हर जीव जगत को, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पेड़ है, चाहे कोई भी जीव है, उसका पोषण का जो आधार है वो जमीन है। अगर जमीन बीमार हो जाएगी, जमीन खराब हो जाएगी, जमीन के अंदर दुष्प्रभाव आएंगे, तो निश्चित रूप से जिसका जब उपयोग और उपभोग हम करते हैं, जो इसमें पैदा होता है, चाहे अनाज है, चाहे तेल है, चाहे फल है, सब्जी है, दूध, सब उससे प्रभावित होगा और उसकी गुणवत्ता के अंदर उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी हमारे सामने आ रही है। कैंसर जैसी बीमारियां हर आदमी पीड़ित है, उसका उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरता कमजोर होती जा रही है, उसके अंदर कई तरह के ऐसे रसायनों का प्रभाव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला सुख निरोगी का है, जब हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो न तो हम खेती कर पाएंगे, न कोई दूसरा काम कर पाएंगे। इसके लिए खेती के साथ में पशुधन को जोड़ना चाहिए, और जो पशु के और फसलों के अवशेष है वो सारे के सारे जमीन में समाहित होने चाहिए, जमीन के अंदर उसका प्रयोग होना चाहिए, ताकि जमीन के अंदर उर्वरता बढ़े और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ये डॉक्टर साहब, जो एक ये सौर ऊर्जा का जो है प्रोजेक्ट है, तो ये किसान के लिए उपयोगी है क्या, जो जिनके बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, और इसमें सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी है, क्या फायदा है उसको? बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और सरकार पहले तो इसमें 90% तक सब्सिडी देती थी, लेकिन अब किसानों का रुझान बहुत जबरदस्त बढ़ा है इसके प्रति, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है। अगर लाइट आती है वो भी रात को आती है,
रात को पानी लगाने में सर्दियों के महीने में जनवरी और दिसंबर में इतनी ठंड पड़ती है, किसान जब रजाई में से मुंह नहीं निकाल सकते, आप और हम, तो किसान रात को खड़ी फसल के अंदर दूसरा पानी खिलाई, लेकिन उसकी मजबूरी है, जाता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि सोलर के ऊपर बहुत अच्छी सब्सिडी भी दे रही है, प्रेरित भी कर रही है किसानों को, किसान उसको अपना भी रहे हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर भी बिजली इतनी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हर परिवार पर सोलर कर रहे हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा सनशाइन आवर है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक गर्मी की धूप हमें मिलती है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जो हमारे जो जो डीजल और पेट्रोल और दूसरे जो हम जीवांश वाले जो जो पेट्रोल डीजल बनाते थे, वो खर्चा महंगा भी है, एक्सपोर्ट बहुत सारी चीजों को हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, खर्चा बचेगा। पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और जो कचरे से जो बनती है वेस्ट जो प्रोडक्ट, उससे जो ऊर्जा तैयार कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से नहीं तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, किसान का पैसा भी बचेगा और उसको समय और मांग के अनुरूप उसको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, चाहे पवन ऊर्जा है, चाहे आपका सौर ऊर्जा है, चाहे कचरे से ऊर्जा तैयार कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गोबर गैस से भी बिजली बना रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं। गंगानगर में एक किसान है कृष्ण जाखड़ा, जिनको मैं अच्छी जानता हूँ, वो नई फार्म है करीब 400 बीघे के अंदर, बाहर से कुछ भी नहीं लाते, जो भी खेत में तैयार हो रहा है उसी का उपयोग और उपयोग भर के नेचुरल फार्मिंग करके आज गेहूं भी वो है, किन्नू भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जमीन के अंदर आप जाओ खेत के अंदर, तो उसके पूरे खेत में कीड़े, वो सारा का सारा सिस्टम ऐसा उन्होंने डेवलप किया है कि जो उसके खेत में पैदा होता है उसको खेत में ही समाहित कर देते हैं। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो ऑर्गेनिक की बजाय नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी काम कर रहे हैं। तो ये समय की मांग है, जिस तरह से बीमारियां फैल रही है और तरह तरह की चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए इन चीजों पे हमें वापिस आने की आवश्यकता है। ये डॉक्टर साहब, ये जो ये बकरी पालन है, मुर्गा पालन है, और पानी का जो स्टॉक के लिए बड़ा कुंड ओत बढ़ाने का, तो इसमें भी कोई सब्सिडी है क्या? बकरी पालन वगैरह में इनमें है क्या सरकार की तरफ से किसान के लिए? नहीं, तो मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया, कृषि विभाग हर औजार पे, हर औजार मतलब चाहे छोटे से छोटा, छोटे ट्रैक्टर भी आ रहे हैं जिनका कंजप्शन 1 लीटर डीजल या पेट्रोल पर आवर कंजप्शन है, रोटावेटर भी आ रहे हैं, स्प्रे की मशीनें भी आ रही हैं, ढोलकी भी आ रही हैं, डस्टर भी आ रहे हैं, स्प्रिंकलर पे है, ड्रिप के ऊपर है, ट्रैक्टर की मशीन रोटावेटर है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, आजकल तो ड्रोन के ऊपर भी सब्सिडी दे रही है सरकार, ड्रोन से स्प्रे करने लग रहे हैं। अभी कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के अंदर एक ड्रोन आया है और उससे गांव के अंदर से हो रहा है, पहली बार लोगों को बड़ा ताजुब हो रहा है। तो खेती बाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जबरदस्त बदलाव आया है, जो काम हमारे महीनों और घंटों में होते थे वो काम आज मिनटों में और सेकंडों में होने लग गए। आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हो, खाद भी दे देता है, पानी भी दे देता है किसान घर बैठा, ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है। बेशर्त है कि उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब खेती बाड़ी के ज्ञान की अनभिज्ञता की वजह से भी किसान आज जो प्रोडक्शन और जो फायदा लेना चाहिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, बहुत बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, अनगिनत योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, आत्मा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय किसान विकास योजना है RKVY, जिसके अंदर किसानों को फसलों के ऊपर, चाहे अनाज वाली फसल है, चाहे धान वाली फसल है, चाहे तेल वाली फसल है, चाहे दाल वाली फसल है, इन पर सब्सिडी का पैसा जाता है, बीज बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, किसानों को अनगिनत योजनाएं हैं, लेकिन किसान उनका समय रहते भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहा है उनको, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है। अगर वो जानकारी रख के इन सारी चीजों को अगर वो अपनाता है, आजमाता है, आज आज तो किसान नहीं, ये आपके जो कृषि पैदावार में इजाफा होगा, आपके जो कृषि और किसानी में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये डॉक्टर साहब, जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके, और ये जो
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग, ये किसानों को पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आजकल स्टाफ की कमी है, क्या बात है। पहले जैसे सेमिनार होते थे, गोष्ठी होती थी, आजकल बहुत कम सुनी जाती है इस तरह की। तो ये देखो स्टाफ कृषि की विभाग कमी की को वजह तो से है क्या, आइडिया जो भी है, गैप बढ़ रहा है लेकिन किसान। कृषि विश्वविद्यालय के अंदर अभी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे मैं झुंझुनू की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 7 साइंटिस्ट होने चाहिए। यहाँ 3 साइंटिस्ट काम नहीं, करते, टेक्निकल असिस्टेंट की तीन पोस्ट, तीनों खाली पड़ी है। नहीं, उसके अलावा और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी करीब करीब नए के बराबर है। तो जो वैज्ञानिक है बेचारे, जो जो ट्रेनिंग इनका मेन जो काम है वो किसानों के खेत पे जाके उनको खेती बाड़ी की नवीनतम तकनीकी जानकारी के बारे में बताना, दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना काम के। तो स्टाफ के अभाव की वजह से जो काम उनको करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। 50% स्टाफ अभी भी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, अभी कृषि विश्वविद्यालय जगह जगह पे खोल दिया अपने मंडावा में, कृषि आपका कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज कॉलेज खोला है, मंडावा के अंदर खोला है, और वेटनरी कॉलेज भी खुल गया, लेकिन कागजों में खुले हुए। अभी वहां पे जितना स्टाफ की आवश्यकता है, हर विषय होने चाहिए, उनकी अभी भी कमी महसूस की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार और कृषि विश्वविद्यालय को मिलके इसके लिए रिक्रूटमेंट करना चाहिए। बहुत सारा रोजगार हो गया है, लेकिन वो समय अभाव की बात करें या व्यवस्था की बात करें, जो काम होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, जितनी मात्रा में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र, वैसे तो झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र तो वन ऑफ द लीडिंग केवीके ऑफ द इंडिया, राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट केवी के अवार्ड भी मिला है। काम भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन स्टाफ की करीब करीब हमेशा यहाँ पे कमी रहती है। तो उसके लिए हमें विश्वविद्यालय को अपने स्तर पे समय समय पे इसका रिक्रूट करके जहाँ से खाली उनको भरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, करीब 12 साल हो गए, कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू से मैं लगातार टच में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा करीब करीब 50% जो पोजीशन है केवीके की, 17 का स्टाफ है, 17 के अगेंस्ट में 6-7 लोग ही काम कर रहे हैं अभी यहाँ। आपने अच्छी जानकारी दी, फिर कभी देखेंगे बाद में। बहुत जी बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।